स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में प्रस्तावित और अंडर कंस्ट्रक्शन टॉप 10 सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। आपको बता दें कि भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों को सेमी हाई स्पीड कैटेगरी में रखा गया है और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड कैटेगरी में शामिल किया गया है। हमारे देश में बनने वाले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के बाद उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में बनने वाले टॉप 10 सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर की कैटेगरी में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम अर्थात RRTS को भी शामिल किया गया है। नंबर 10 पर बात करते हैं दिल्ली पलवल RRTS कॉरिडोर के बारे में, जो एक प्रस्तावित परियोजना है। इस RRTS कॉरिडोर का निर्माण दिल्ली से पलवल के बीच किया जाएगा वाया फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पिरथला और इसकी कुल लंबाई लगभग 60 किलोमीटर होगी। फाइनल लेंथ 2-4 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। दिल्ली NCR क्षेत्र में बनने वाले RRTS कॉरिडोर का निर्माण नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा किया जा रहा है। NCRTC एक जॉइंट वेंचर कंपनी है भारत सरकार का। दिल्ली फरीदाबाद पलवल RRTS कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इस पर चलने वाली ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस RRTS कॉरिडोर का निर्माण RRTS परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जाएगा और इसके निर्माण के बाद दिल्ली से पलवल की दूरी को मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके निर्माण में लगने वाली राशि और इसके डेडलाइन को ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है। नंबर 9 पर बात करते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के बारे में। इस कॉरिडोर पर वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, अर्थात यह एक निर्माणाधीन कॉरिडोर है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होगी। इस RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसके ट्रैक्स को 180 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेनों के परिचालन लायक निर्माण किया जा रहा है एवं इस पर चलने वाले ट्रेनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली से मेरठ की दूरी को 1 घंटे से कम समय में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 30,274 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह सभी कंपनियां इस RRTS कॉरिडोर के निर्माण में शामिल है। इस कॉरिडोर में इस्तेमाल होने वाले रोलिंग स्टॉक्स को बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके रोलिंग स्टॉक्स का निर्माण मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में ही किया जाएगा और यह कॉरिडोर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पर बात करते हैं दिल्ली रोहतक हिसार RRTS कॉरिडोर के बारे में। यह कॉरिडोर एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण दिल्ली से हिसार के बीच किया जाएगा वाया बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हांसी और इसकी कुल लंबाई लगभग 94 किलोमीटर होगी। इस RRTS कॉरिडोर को 2 भागों में डेवलप किया जाएगा। सबसे पहले दिल्ली से रोहतक RRTS खंड का निर्माण किया जाएगा, इसके बाद रोहतक से हिसार RRTS खंड का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को RRTS के फेज 2 के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना के निर्माण के बाद दिल्ली से हिसार की दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 7 पर बात करते हैं दिल्ली सोनीपत पानीपत RRTS कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण दिल्ली से पानीपत के बीच किया जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर इंद्रप्रस्थ, कश्मीरी गेट, मुबारका चौक, कुंडली, मुरथल, गन्नौर, समालखा होते हुए पानीपत में जाकर समाप्त होगी। इस कॉरिडोर के अंतर्गत लगभग 17 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस RRTS कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 103 किलोमीटर होगी। इसमें भी स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा। इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसके ट्रैक को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लायक डिजाइन किया जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण RRTS परियोजना के फर्स्ट फेज में किया जाएगा। इसका DPR तैयार हो चुका है, बस अप्रूव्ड होना बाकी है। इस कॉरिडोर के निर्माण से
है। दिल्ली से पानीपत के बीच की दूरी को लगभग एक घंटे में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 21,627 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक अनुमानित बजट है, और यह 2028 तक बनकर तैयार होगा। और आपको बता दें कि इस कॉरिडोर को फ्यूचर में पानीपत से करनाल तक एक्सटेंड किया जाएगा। नंबर 6 पर बात करते हैं वाराणसी प्रयागराज RRTS कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित कॉरिडोर है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी और प्रयागराज के बीच किया जाएगा। इस कॉरिडोर की लंबाई लगभग 125 किलोमीटर के आसपास होगी। अभी इसका DPR तैयार करना बाकी है। इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग को इस पर होने वाले खर्च एवं इसको चलाना कितना फायदेमंद होगा इसके परीक्षण की जिम्मेदारी दी है। अर्थात अभी वाराणसी प्रयागराज कॉरिडोर अप्रूव्ड नहीं हुआ है। इस कॉरिडोर के निर्माण से वाराणसी से प्रयागराज के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि वाराणसी और प्रयागराज हमारे देश का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है, तो इस कॉरिडोर के निर्माण से आम लोगों को तो लाभ होगा ही, इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। देश और विदेश के पर्यटक वाराणसी और प्रयागराज अमूमन दोनों शहरों में जाते हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं दिल्ली अलवर RRTS कॉरिडोर के बारे में। यह एक निर्माणाधीन कॉरिडोर है जिसका निर्माण RRTS परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। यह कॉरिडोर दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर एरो सिटी, उद्योग विहार, गुरुग्राम के राजीव चौक, खेरकी दौला, मानेसर, धरुहेरा, रेवारी, बवाल के रास्ते SNB स्टेशन तक जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर होगी। और दिल्ली से SNB तक के खंड को इस कॉरिडोर के प्रथम चरण में डेवलप किया जा रहा है। SNB स्टेशन से एक रूट शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड होते हुए सोतानाला तक जाएगी। SNB स्टेशन से सोतानाला खंड की लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी और इसको इस कॉरिडोर के दूसरे चरण में डेवलप किया जाएगा। एवं इस कॉरिडोर का एक और रूट SNB स्टेशन से खैरथल के रास्ते राजस्थान के अलवर तक जाएगी। SNB से अलवर खंड की लंबाई लगभग 58 किलोमीटर होगी और इस खंड को इस कॉरिडोर के तीसरे चरण में डेवलप किया जाएगा। इस प्रकार दिल्ली से अलवर तक की कुल लंबाई लगभग 164 किलोमीटर होगी। वर्तमान में दिल्ली से SNB तक के खंड का DPR अप्रूव्ड हो चुका है। इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जा चुका है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके निर्माण में लगभग 37,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह सभी कंपनियां इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य में शामिल है। दिल्ली गुरुग्राम अलवर RRTS कॉरिडोर को पार्शियली 2024 में ऑपरेशनल करने का टारगेट है और पूरा कॉरिडोर उम्मीद है कि 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद दिल्ली से अलवर तक की दूरी को लगभग 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं अहमदाबाद राजकोट सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जाएगा। यह कॉरिडोर अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर सानंद, बावला, लिमडी, चोटीला होते हुए राजकोट तक जाएगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 227 किलोमीटर होगी। यह एक प्रस्तावित कॉरिडोर है और इसका निर्माण गुजरात रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। इस परियोजना का DPR तैयार हो चुका है और अप्रूव्ड भी हो चुका है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसके अंतर्गत 6 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह कॉरिडोर एलिवेटेड और एट ग्रेड होगा एवं इसके निर्माण में लगभग 28,291 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने का डेडलाइन 2023 है। इस कॉरिडोर के निर्माण से अहमदाबाद और राजकोट के बीच की दूरी को लगभग 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 3 पर बात करते हैं पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। यह कॉरिडोर पुणे से शुरू होकर चाकन, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगांव, संगमनेर, सिन्नर के रास्ते नासिक तक जाएगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 235 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर का DPR तैयार हो चुका है एवं अप्रूव्ड भी हो चुका है। इतना ही नहीं, इस परियोजना के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा चुका है, अतः इसका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। इस पूरे कॉरिडोर में 24 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। अभी तक के प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस परियोजना में ब्रॉड गेज ट्रैक का यूज किया जाएगा एवं इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी,
जिसको कि भविष्य में 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया जा सकता है। यह कॉरिडोर एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड होगा। इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के पूरे रूट में 19 वायाडक्ट्स, 18 टनल्स, 41 रोड ओवर ब्रिजेस, 128 रोड अंडर ब्रिजेस इत्यादि का भी निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर बनने वाले सबसे लंबे सुरंग की लंबाई लगभग 6.64 किलोमीटर होगी। पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 16,039 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में पुणे से नासिक की दूरी को लगभग 6 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को लगभग 1 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 2 पर बात करते हैं थिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण केरला राज्य में किया जाएगा। इस कॉरिडोर को थिरुवनंतपुरम कासरगोड सिल्वर लाइन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉरिडोर थिरुवनंतपुरम से शुरू होकर कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, कोच्चि एयरपोर्ट, थ्रिसूर, कोड़िकोड, कन्नूर होते हुए कासरगोड तक जाएगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 530 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर का निर्माण केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इस परियोजना का DPR तैयार हो चुका है और अप्रूव्ड भी हो चुका है। इसका जमीन अधिग्रहण बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। यह परियोजना केरला राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान में थिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच का ट्रेवल टाइम लगभग 12 घंटा है, लेकिन इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। भविष्य में इस कॉरिडोर को कर्नाटका राज्य के मंगलुरु तक एक्सटेंड किया जाएगा। थिरुवनंतपुरम कासरगोड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एलिवेटेड, एट ग्रेड और अंडरग्राउंड होगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 63,941 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना की डेडलाइन 2027 है। नंबर 1 पे बात करते हैं नागपुर सिकंदराबाद सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्यों में किया जाएगा। इस परियोजना को साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा डेवलप किया जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। यह कॉरिडोर नागपुर से शुरू होकर चंद्रपुर, बेलमपल्ली, रामागुंडम, काजीपेट होते हुए सिकंदराबाद में समाप्त होगी और इसकी कुल लंबाई लगभग 577 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में ब्रॉड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में इस कॉरिडोर का DPR तैयार हो चुका है और अप्रूवल के लिए सौंपा जा चुका है। वर्तमान में नागपुर से सिकंदराबाद के बीच की दूरी को लगभग 9 घंटे में पूरा किया जाता है, लेकिन सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर में अपग्रेडेशन के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इस सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद विदर्भ क्षेत्र की प्रगति और तेज गति से हो पाएगी। फिलहाल इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि और डेडलाइन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपके स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के वीडियो को जरूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये था टॉप 10 अपकमिंग सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जानकारी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।